का भी बहुत कुछ किया जो आपने मेरे को मेरे बहुत सारे पैसे बचाए हैं जी। और इनकी सर्विस देख के मुझे लग रहा है कि मैं अगली जो मशीन भी लूंगा तो अल्ट्रा लेजर से ही लूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर वन मोर लेजर कटिंग वीडियो। एंड आज मैं हूं अप्लायंस इंजीनियर्स बवाना के अंदर एंड मेरे साथ में है मिस्टर प्रवीण सर। हेलो प्रवीण सर, हाउ आर यू? बढ़िया जी, आप बताइए कैसे? जी मैं ठीक हूं सर। एंड थैंक यू सो मच सर थोड़ा टाइम देने के लिए, हमें एक चांस देने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए, मुलाकात करने के लिए। सर पिछले 6 साल से आई थिंक राइट 6 ईयर्स से पिछले 6 साल से सर एक IPG 700 वॉट की फाइबर लेजर कटिंग मशीन यूज कर रहे हैं एंड हमने इस पे 2 बार सर्विस दिया है। तो आज हमें थोड़ा सा समय मिला है सर का एक फीडबैक लेने का, तो चलिए हम सर से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, मशीन के बारे में पूछते हैं, 6 सालों की जर्नी के बारे में पूछते हैं। तो सर थोड़ा सा बताइए, लाइक पहले मशीन का इंट्रोडक्शन दीजिए अपनी। मशीन मैंने एब्रो कंपनी है, एब्रो डायनेमिक करके साथ से जी, ये गाजियाबाद तो उनसे परचेज की थी IPG की शॉप के साथ। ठीक है, मशीन बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा है। चलते अभी 5-6 साल हो गए, ज्यादा यूज तो हुई नहीं पर इसने कभी मुझे दिक्कत नहीं करी। ओके, मगर अभी थोड़ी सी दिक्कत आने लगी है तो इसलिए मैंने आपको बुलाया। मैंने आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पे जी, वहाँ मुझे लगा कि आपसे बात हुई तो आपने बड़ी जल्दी मेरे को सर्विस दी जी, तो ये ठीक रहा। अच्छा ओके ओके ठीक है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अभी इसमें क्या इशू हो रहा था। इसमें जो IPG की कैप होती है QBH के ऊपर, नॉर्मली IPG सोर्स के अंदर एक QBH कैप होती है, वो बर्न होके कटिंग हेड के अंदर गिर गई, जिसकी वजह से हमारे QBH पे भी इम्पैक्ट आया है एंड हमारा कोलिमेटिंग लेंस कम्प्लीटली डैमेज हो गया है। तो अभी हम सर एक बार इसको कट करने वाले, राइट? हम QBH को बाहर भी नहीं निकाल पा रहे थे एंड हम उसको ग्राइंडर से कट करने की सोच रहे थे। बिल्कुल दोस्तों, हम टू बी वेरी फ्रैंक, हम कटिंग हेड को ग्राइंडर से काट के QBH बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, बट एट द लास्ट मोमेंट आपका जो पाइप रिंच होता है, हमने पाइप रिंच से फर्स्ट टाइम इन माई एंटायर कैरियर पिछले 5 साल में पहली बार जो है कटिंग हेड पे पाइप रिंच लगा के और जो है QBH को बाहर निकाला गया है। फाइनली हमने कटिंग हेड बचा लिया, बट समवेयर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है हमारे उस पे जो क्रिस्टल होता है QBH क्रिस्टल उस पे आ गया है, बट स्टिल मशीन इज वर्किंग। हमने मशीन तो चालू कर दिया है, कटिंग भी कर रही है, कटिंग क्वालिटी भी ठीक है, बट थोड़ा सा स्पीड मशीन का जो है रिड्यूस है। सर मैं जानना चाहूंगा लाइक पिछले 6 साल से IPG यूज कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसा रहा? IPG की परफॉर्मेंस कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लग रहा है कि अगर ये 700 वाट की है और जो अगर मैं दूसरी कोई रेका से या कुछ मैक्स लेता हूँ हाँ जी, तो उसकी वो 1 किलो वाट और ये 700 वाट हाँ, ये शायद बराबर है। ये तो बात सही है हाँ, तो ये मैं इसमें 8 mm पहले MS काट लेता था हाँ, 3 mm 4 mm SSD काट हाँ जी, ब्रास कॉपर सब काटा है मैं हाँ जी, कोई दिक्कत भी आई नहीं। जानकारों ने IPG रेका वगैरह लगा रखा है, वो भी 5-6 साल चल रहा है, उनको दिक्कत नहीं है। मैं भी 5 साल के बाद मुझे दिक्कत आ गई तो मैं उसको क्या समझू, जबकि मैंने इसके शायद हो सकता कि मार्केट से 10 लाख रुपए फालतू दे रखे, तो मैं 10 लाख उनको फालतू क्यों दूं, मैं इससे अच्छा एक और एक दो मशीन ले लूं, जितने का इनका सोर्स है आज की रेट में उतने का मशीन दे देते हैं जी। सो मैं इस YouTube वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा लाइक टू द एंटायर लेजर कम्युनिटी, कहीं ना कहीं हमारा एंड यूजर एक जगह पे आके फंसता है। मैं भी पिछले 5 साल से ये चीज देख रहा हूँ कि जब हमारा कोई सोर्स फेलियर होता है, कुछ भी फेलियर होता है एंड अगर डायरेक्ट कस्टमर अप्रोच करता है किसी भी एक लेजर कंपनी को, तो वहां से जो है हमें डायरेक्ट रिस्पांस ना मिलके हमें कांटेक्ट करना पड़ता है डीलर से जिससे मशीन ली है या मैन्युफैक्चरर से। तो कहीं ना कहीं मैं और पूरी एंटायर लेजर कम्युनिटी ये चाहेगी कि कुछ सुधार हो, हमें डायरेक्ट सर्विस मिले फ्रॉम ऑल द लेजर मैन्युफैक्चरर जो भी फाइबर लेजर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ताकि मिडिल मैन बीच में कट हो एंड डायरेक्ट जो है कंपनी हमें सर्विस प्रोवाइड करे, राइट? जी ओके। एंड कुछ और कहना चाहेंगे सर लाइक? बस मैं तो यही चाहूंगा कि अगर मुझे इस तरह की सर्विस मिली IPG से तो जो अभी अभी आपने मुझे ऑफर दी है तो मैं उसके साथ जाना चाहूंगा, इसको फेंक के इसको दोबारा से 1.5 किलो वाट मुझे आपने सिर्फ 4 लाख रुपए में बोला कि मैं इसको हटा के 4 किलो वाट 4 लाख रुपए लूंगा,
और मैं इसको 1.5 किलो ऐड कर दूंगा, हेड भी बदल दूंगा, वो भी मैं उसके साथ जाना चाहूंगा। और मैं कभी भी आगे से इतने सारे पैसे फूक के आईपीजी के साथ जाना नहीं चाहूंगा किसी भी। So, तो मैं आपसे भी ये बोलूंगा कि आईपीजी को आप भी मत लीजिए। सर एक्चुअली इट्स अ कस्टमर चॉइस, तो हर किसी का अपना प्राइस, तो कस्टमर तो अगर आप इसको 10 साल में 2 बार बदल भी देंगे ना तो भी उससे कम कॉस्टिंग आएगी। कहीं ना कहीं कॉस्टिंग के मामले में तो आईपीजी डेफिनेटली 3-4 times ज्यादा जाता है नॉर्मल लेजर शो। एकदम पैसे देने को तैयार है वो लोग, आने को तैयार, मेरे को बोल रहे हैं कि आओ और इसको खोल के ले आओ। मैं अगर मेरे को मशीन खोलनी आती तो मैं मशीन बना रहा हूँ। आईपीजी एक इंडिकेशन है आप सभी के लिए, सो थोड़ा सा सर्विस को बेटर कीजिए, इवन फॉर ऑल ऑफ अस ऑल द लेजर मैन्युफैक्चरर, सर्विस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बिकॉज एक कैपिटल प्रोडक्ट जब एक कस्टमर खरीदता है, बहुत सारी जमा पूंजी लगा के मशीन खरीदी जाती है, ठीक है, तो अगर सर्विस नहीं मिलती है पूरा का पूरा सिस्टम चौपट हो जाता है, आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप रुक जाता है, पूरी फैक्ट्री रुक जाती है बिकॉज ऑफ द फेलियर्स और ब्रेकडाउन। बिल्कुल। एंड सर जैसे हमने सर्विस दिया है आपको 2 बार, लाइक अल्ट्रा लेजर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा? अल्ट्रा लेजर का तो मैं ही कहूंगा, मुझे सर्विस अभी तो स्टार्ट किया मैंने सर्विस से, और इनकी सर्विस देख के मुझे लग रहा है कि मैं अगली जो मशीन भी लूंगा वो अल्ट्रा लेजर से ही लूंगा, क्योंकि बहुत अच्छी सर्विस है। जब भी मैंने उसको कहा अगर अर्जेंट है तो अर्जेंट भी आए हैं, कभी अगर तुमको टाइम नहीं है तो उन्होंने बोला कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा तो 2 दिन बाद खुद आए हैं और ये ठीक करके मेरे को, मैं पता नहीं हो। एंड अभी सर जैसे हम कटिंग हेड को कट करने की कोशिश कर रहे थे, तो हैव यू मेकअप योर माइंड की भाई इतना खर्चा होने वाला है? तो कर लिया, क्योंकि मुझे ये मैंने तो माइंड बना ही लिया था कि मुझे अब ये अगर खराब होता है तो हो जाए, मेरे को आईपीजी हटा के जब आपने जो ऑफर दे दी थी तो मेरे दिमाग में एक चीज आ गई थी कि मैं इसको बदलूंगा, और वो बाई चांस आपने थोड़ा सा टाइम लगाया और इसको खोल लिया। मुझे पता कि ऐसे जब इसके ऊपर इसको पाइप रेंच से खोलने की कोशिश कर रहे थे तो मुझे पता कि क्या दिक्कत है। हालांकि मैंने इससे मैंने मशीन ली थी, वो उस कंपनी से मुझे कोई शिकायत नहीं थी, और क्योंकि वो मैं जानता हूँ वो बहुत बड़ी अच्छी बहुत बढ़िया कंपनी, मगर उसके बावजूद भी उनसे भी खुला नहीं था, उन्होंने भी कोशिश बहुत की उनसे भी नहीं खुला, इसलिए मेरे को आखिर में फाइन किया करना पड़ा। मुझे लगा कि आप अगर काटोगे भी तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करके दोगे। ओके, मेरे लिए भी सर काफी एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब इतने टाइम में मैं बहुत सारी सर्विसेज अटेंड करी हैं, बहुत सारी चीजें देखी हैं, एंड पहली बार हमने जो है पाइप रिंच लगाया है, इवन ग्राइंडर तक हम लगाने वाले थे, जस्ट लास्ट मोमेंट पे हमारा QBH जो है अनलॉक हो गया एंड सक्सेसफुली हमने उसको बाहर निकाल दिया, एंड अंदर से जो है पूरा डैमेज था, देन हमने उसको जो है रिपेयर करके वापस लगाया। तो थैंक यू सर फॉर गिविंग सच ऑफ योर टाइम, एंड होप मशीन आपकी अच्छी चले, एंड आपका भी बहुत कुछ किया जो आपने मेरे को मेरे बहुत सारे पैसे बचाए हैं, तो मैं जहाँ पर मैं 2-3 लाख रुपए आप इसकी सर्विस में लगने थे वो शायद कुछ 1000 रुपए में मेरा काम डेफिनेटली, तो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट अप्रिशिएशन फॉर अस। थैंक यू दोस्तों, एंड वी विल सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।